हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइफिनाइल मीथेन के बारे में। ट्राइफिनाइल मीथेन ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 4 में आता है। तो ट्राइफिनाइल मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें फॉर्मूला है C6H5CH। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, 3 बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये ट्राइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर है। उसके सिंथेसिस के बारे में बात करें तो पहला आएगा फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे 3 मोल्स बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन होता है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ट्राइफिनाइल मिथेन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 मोल बेंजीन है और AlCl3 एंड CHCl3 की प्रेजेंस में, मतलब कि क्लोरोफॉर्म है, तो रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ट्राइफिनाइल मिथेन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है कंडेंजेशन। तो कंडेंजेशन जो है बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजीन के बीच में होता है। यहाँ बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ट्राइफिनाइल मिथाइल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिएक्शन है। उसके बाद है हमारे रिएक्शन, सिंथेसिस खत्म। अब बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन में हमारा पहला आएगा हेलोजिनेशन। यहाँ पे हम हेलोजिनेशन में करेंगे ब्रोमिनेशन। तो ट्राइफिनाइल मिथेन का जब हम ब्रोमिनेशन करते हो तो H यहाँ से रिप्लेक्स होकर एक BR ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा ट्राइफिनाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में जब हम ट्राइफिनाइल मिथेन का HNO3 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ट्राइस 4 नाइट्रोफिनाइल मिथेन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ट्राइफिनाइल मिथेन है जिसका हम नाइट्रेशन करेंगे, तो हमारा ट्राइस मतलब ये कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलेंगे ट्राइस 4 नाइट्रोफिनाइल मिथेन। बहुत ईजी है ये कंपाउंड, ईजिली हो जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है उसके यूज़। तो यूज़ में आएगा वो यूज़ किया जाता है एज अ डाई इन टेक्सटाइल। इसके जो डेरिवेटिव होते हो कॉपिंग पेपर करने में, हेक्टोग्राफ में जो पेपर कॉपिंग में यूज़ किए जाते हैं एंड प्रिंटिंग इंक में यूज़ किए जाते हैं, ये यूज़ किया जाता है एज अ स्टेनिंग इन फॉर स्टेनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं ट्राइफिनाइल मिथेन के डेरिवेटिव के बारे में। तो उसका पहला डेरिवेटिव है क्रिस्टल वायोलेट, जो डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर एंड टेक्सटाइल डाइल के प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। स्टैक है और इन, तो ये उसके डेरिवेटिव है। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। ये बहुत इजी है, आप खुद पढ़ोगे तो भी आपको आ जाएगा, नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू।